Hello guys, I'm N.K. Rao here to discuss about the Railway RRB ALP and RPF current affairs. हम लोग करेंट अफेयर में डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डी और आपको RRB ALP में जो क्वेश्चंस आए उनको भी रिवीजन करेंगे साथ साथ. तो चलिए अब पहला क्वेश्चन रिवीजन वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. हमने कुछ करेंट अफेयर में चेंजिंग किए हैं, बहुत सारी चेंजिंग है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि पहले हमने रिवीजन बनाया, उसके बाद हमने MCQ बनाया, उसके बाद वन लाइनर बनाया है. तो हम लोग इस तरह डिस्कस करेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा और जो RPF और ALP टेक्नीशियन के लिए बुक जो डिमांड कर रहे थे मैं उनको कमेंट बॉक्स में उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपको PDF फ्री में मिल जाएगा. बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी बुक है आपको प्लेटफॉर्म की बुक है उसका मैंने क्या किया जी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको क्या कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए रिवीजन वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं. तो हमने ये सब पहले डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो में. 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपको 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप जो है आपको उड़ीसा में हुआ है जी. तो आपको ये बताना है, ऑप्शन में बताना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि ये किस स्टेडियम में स्टार्ट किया गया है. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो परमाणु ऊर्जा नियम बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो नागेश्वर राव को किया गया है जी. यहाँ से देख सकते हैं नागेश्वर राव. आगे बढ़ते हैं, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है जी, चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है. यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो पर्यटक पुलिस को पूर्वोत्तर राज्य के किस दूसरे राज्य ने भी लॉन्च किया है, तो बात की जाए इसका मतलब है दूसरा, इसका मतलब पहला भी कोई ना कोई स्टेट है जिसने क्या किया है पर्यटक पुलिस लॉन्च किया है. तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे कि कौन सा पहला स्टेट है जिसने पर्यटक पुलिस लॉन्च किया है. तो दूसरा कौन है जी, तो दूसरा नागालैंड है, पहला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी. चलिए आज MCQ की तरफ बढ़ते हैं और MCQ में डिस्कस करेंगे. आज इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है हाइसिस, HYSIS हाइसिस, जो क्या किया गया है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है. श्रीहरिकोटा कहाँ है जी आपको, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया है जी. तो ये क्या है, तो ये आपको इस सैटेलाइट जो है आपको इसमें 23 सैटेलाइट जो है अमेरिका के हैं, बाकी सब टोटल जो है इसमें आपको 31 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जिसमें 23 क्या है अमेरिका के हैं. और ये क्या है आपको हमारे जो भी है सैटेलाइट जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर में अगर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है कि हमारे यहाँ कितनी फसल हुई है या नहीं हुई है, इस सब की जानकारी लेने के लिए हम किससे इसे पता कर सकते हैं. अगर इमरजेंसी केस में अगर जैसे मान लीजिए डोकलाम विवाद हो रहा है तो वहाँ पे चाइना के ट्रुप्स कितनी दूरी पे हैं कितनी दूरी पे नहीं है उसकी भी निगरानी रखी जा सकती है. तो इस मामले में हमारे इसरो का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है जी. तो इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है जो क्या होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तो बेंगलोर में है. इसके हेड कौन है, तो के सिवान है. के सिवान को क्या बोला जाता है जी, तो के सिवान को ही हो क्या बोलता है स्पेसमैन बोला जाता है जी. तो चलिए हम बात करते हैं, तो इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था जी, स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था. तो हम इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सारा क्वेश्चन सीखे जी. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. सरकारी स्कूल में छात्रों को भारतीय भाषाओं में अवगत कराने के लिए भाषा संगम नामक एक अनूठी पहल की गई है, कितनी भाषाओं को शुरू करने के लिए किया गया, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया गया है. ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया, तो हमारे भारतीय इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया गया है और इसमें 22 लैंग्वेज चुना गया है. ये क्या है जी, तो भाषा संगम है, जो इसमें क्या है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22वें पार्ट में जो भाषा है उन सभी को क्या करना है जी, मल्टीलिंगुअल बनाना है बच्चों का, इससे जिससे क्या हो एक बच्चे एक से ज़्यादा लैंग्वेज को सीख सके. चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको नेपाल में किया गया है. तो नेपाल से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाली करेंसी क्या है जी, तो नेपाली रुपीस है. वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, तो विद्या देवी भंडारी है. वहाँ का PM कौन है जी, तो KP ओली खड़गा प्रसाद ओली जी हैं. वहाँ की कैपिटल क्या है जी, नेपाल की कैपिटल क्या है, तो काठमांडू है. इससे क्वेश्चन देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन में जो भी रिलेटेड
स्टेट आएगा, कंट्री आएगा, तो हम उसके पीएम, करेंसी और प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट और कैपिटल वगैरह देख लेंगे, जिससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, तो विद्या देवी भंडारी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पिसर मावल, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो रिलेटेड होगा, मैं फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। तो रेलवे के जो भी बच्चे हैं उस सब करेंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच युद्ध का अभ्यास कोंकण 18 गोवा में शुरू किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच, तो कोंकण 18 जो गोवा अभ्यास है जी, तो ये ब्रिटेन के और इंडिया के नेवी के द्वारा शुरू किया गया है। और ये आपको कोंकण जो है, आपको बताएंगे कोंकण में कौन कौन स्टेट आते हैं जी। कोंकण जो हमारा कोस्टल एरिया है वो किस किस स्टेट का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। चलिए जी अगला बढ़ते हैं। तो एशिया पेस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 किस फिल्म ने स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है, यानी गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है जी, तो डॉन बॉस को मिला। किसे मिला है? डॉन बॉस को। डॉन बॉस एक फिल्म का नाम है जी, जिसने क्या किया है जी, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है जी। जो फिल्म महोत्सव आपको हो रहा था उसमें जीता गया। तो आप कमेंट में लिखकर बताएंगे तो ये फिल्म महोत्सव कहाँ हो रहा था जी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस एशिया ऑफ द ईयर, किसे एशिया ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो मैं बता देना चाहूँगा, एशिया ऑफ द ईयर पुरस्कार नौसेना कमांडर विजय शर्मा और नौसेना कैप्टन पी राजकुमार दोनों को सम्मानित किया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। चलिए वन लाइन एंड करेंट की अब तरफ बढ़ते हैं जी। किससे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग को क्या बोलते हैं जी, तो इसको ही यूपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? यूपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन है जी? तो अरविंद सक्सेना है। हमने कोंकण रेलवे का डिस्कस किया था जी, कोंकण रेलवे का डिस्कस किया था, उसमें क्या है जी, तो ये कोंकण किस देश के बीच हुआ है जी युद्धाभ्यास? तो इंडिया और यूके के बीच हुआ है। तो बात की जाए तो ये कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। ये कब स्टार्ट हुआ? तो 2004 में हुआ था। तो बात की जाए यूके का, तो यूके का कैपिटल क्या है जी? लंदन है। यूके का करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। यूके का पीएम कौन है? तो थेरेसा मे है। तो इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। याद रखिए जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको याद कर लीजिए, ताकि ये हमारे जो अगले आने वाले एग्जाम में क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। बात की जाए यूपीएससी का, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो नई दिल्ली है। ठीक है जी। तो अरविंद सक्सेना क्या है जी? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, यानी प्रेसिडेंट हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएम नाइक को क्या किया गया है जी? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है जी? तो एएम नाइक को नियुक्त किया गया है। एनपीसीसी को किससे दर्जे से सम्मानित किया गया है? तो बात की जाए एनपीसीसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है जी, और इसको मिनी रत्न से किया गया है सम्मानित। अगर बात की जाए हमारे देश में, तो हमारे देश में मिनी रत्न, नौ रत्न और महारत्न नाम से जो गवर्नमेंट पीएससी हुए, यानी पर जो गवर्नमेंट कंपनी है उनको क्या किया जाता है? उनको रेटिंग दी जाती है, जिससे क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह की क्या होती है जी, बनी रहती है ज़्यादा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से रैंकिंग के बेसिस पे, जिससे वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। फेफ्स ऑफ फ्रैक्चर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिए? तो फेफ्स ऑफ फ्रैक्चर टाइम्स नामक पुस्तक लिखी है मनीष तिवारी ने। बात की जाए प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जाए, इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए और गूगल से या अपने से याद हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का क्वेश्चन है किस मंत्री ने मेकिंग ऑफ द न्यू, ये जो आपको प्रैक्टिस सेट है आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जी। चलिए तो आज अगर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं जी, डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको ग्रुप डी एएलपी के पार्ट ए में भी क्या है जी पूछा गया है। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 का किसको मिला है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 कृष्णा सोबती को मिला है। सीईओ ऑफ एडोबे कौन है जी? तो एडोबे के सीईओ कौन है? तो एडोबे के सीईओ शांतनु नारायण है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म पूरे छात्र, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं जी, रेलवे की टिकट की बुकिंग करते हैं। सरस्वती सम्मान 2017 किसको मिला है? सरस्वती सम्मान 2017 मिला है सितांशु यश चंद्रा को मिला है सरस्वती सम्मान 2017 का।
जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो जम्मू और कश्मीर का भी तत्काल गवर्नर सत्यपाल मलिक है जी। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको नवंबर माह में, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अगर करंट में चेंज होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। मुस्कान किरार किस गेम से जी रिलेटेड है? तो ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। फ्रांस का कैपिटल क्या है जी? तो पेरिस है। एशिया क्रिकेट कप 2018 कहाँ पर हुआ है जी? एशिया क्रिकेट कप 2018 कहाँ पर हुआ है? तो दुबई में हुआ है। चलिए जी, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी क्या करें, रिकमेंड करें, जिससे ताकि वो भी हेल्पफुल इससे ले सके। थैंक यू सो मच। जीनियर स्टडी में आपका स्वागत है जी।